हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल NH9 डिंग रोड सिरसा। सो स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 5 सिविक्स, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम इसमें वुमेन्स के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से वुमेन ने जो है प्रोटेस्ट किया, स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। In the previous chapter, we saw how many women's work in the home is not recognized as work. हमने रीड किया था लास्ट चैप्टर में कि जो वुमेन का है, जो उस वो घर में काम करती है, उसको एक काम नहीं समझा जाता उसका, कि वो housewife है तो वो क्या काम हुआ, कि वो कोई काम ही नहीं करती है घर पे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोड जो है वुमेन्स पे होता है। हमने लास्ट चैप्टर में ये सब रीड कर चुके हैं हम। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिन्स और एंड्स। क्या है, जो भी वो हाउस होल्ड, जो भी घर का काम करती हैं, घर फैमिली मेम्बर्स की टेक केयर करती हैं, और ये इनकी जॉब क्या है, फुल टाइम रहती है, जिसका ना कोई फिक्स कोई आवर्स हैं कि इतने आवर्स इतने घंटे उन्होंने काम करना है, ना ही ये है कि भी कब स्टार्ट हो रहा है उनका काम और कब एंड हो रहा है, कोई एंडिंग नहीं है, ऑलवेज जो है वुमेन्स काम में ही लगी रहती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, बाहर जो काम होता है उसके बारे में, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मैन देन फॉर वुमेन। और क्या समझेंगे कि किस तरह से कुछ ऑक्यूपेशन जो है ये समझे जाते हैं, कुछ ऑक्यूपेशन कि वो मैन के लिए ठीक है, आदमियों के लिए ठीक है, वुमेन्स के लिए नहीं ठीक। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। और ये भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से वुमेन जो है स्ट्रगल करती हैं, जूझती हैं इक्वालिटी, मतलब जो उसको है समानता का अधिकार मिले, इक्वालिटी मिले। गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमेन। एजुकेशन मिलती है उनको जो, एंड स्टिल इज वन वे, इस तरह से जो है एक रास्ता है जो कि उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए नए साधनों की तरफ लेके जाता है, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खोलता है। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। इस चैप्टर में हम जो है ब्रीफली रीड करेंगे किस तरह से वुमेन ने अपने लिए आवाज़ उठाई। नाउ लुक एट दिस चार्ट स्टूडेंट्स। एक रोजी मैम्स क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन। रोजी मैम हैं कोई, उनकी क्लास में कितने चिल्ड्रन हैं, 30। शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास। उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है, चिल्ड्रन को जो है एक दिया, पिक्चर दिया कौन क्या बनना चाहता है। तो उनमें से कुछ जो है टीचर, कितने जने बनना चाहते थे, मेल में ओनली 5 थे और फीमेल में ओनली 25। फार्मर में 30 मेल, मींस कि जेंट्स जो थे वो 30 जनों ने जो है फिल किया, इमेज लगाई किसकी, फार्मर की, और फीमेल में 0। फैक्ट्री वर्कर 25, फीमेल में 5। नर्स में मेल में 0 और फीमेल में 30। साइंटिस्ट में मेल में 25, फीमेल में 5। पायलट में मेल में 27 और फीमेल में ओनली 3। तो स्टूडेंट्स, हम ये देख सकते हैं कि लोगों का एक जो है सोच बन गई है कि ये लड़कियों के लिए ऑक्यूपेशन है, काम है, या फिर ये लड़कों के लिए काम है। लाइक अब ये देखो, नर्स में जो है मेल में किसी ने भी इमेज नहीं लगाई नर्स की, और फीमेल में कितनी लगाई है, 30। तो मींस कि ज़्यादातर जो है फीमेल्स क्या प्रेफर कर रही हैं, टीचिंग या नर्सिंग, है ना। नाउ फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशन। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सेज एंड मैन एज आर्मी ऑफिसर्स। क्या किया, जब रोजी मैम के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया,
वुमेंस जो थी उन्होंने ज़्यादातर क्या प्रेफर की, नर्स। एंड मैन ने क्या किया, एज अ आर्मी ऑफिसर। द रीजंस दे डिड दिस बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टन जॉब्स। उन्होंने ऐसा किया कि क्योंकि वो फील करते हैं कि उनको जो है आउट घर के आउटसाइड का काम ज़्यादा सूटेबल है, और वुमेंस क्या है, आर गुड एट ओनली सर्टन जॉब्स, कुछ ही जॉब्स पे जो है वुमेंस गुड हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज। लोग ये विश्वास करते हैं जो वुमेंस हैं वही जो है बेटर नर्स बन सकती हैं, जो हॉस्पिटल्स में नर्स होती है ना वो, बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल, क्योंकि वो काफ़ी पेशेंट होती है, मींस कि उनमें क्या होता है, सब्र होता है, और वो काफ़ी पोलाइट होती हैं बात करने। दिस इज़ लिंक्ड टू वुमेन्स रोल। ये क्या है, वुमेन रोल के लिए जो है लिंक किया गया है विद इन द फैमिली में। सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट द साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। अब ये दिखा ऐसे ही क्या किया गया है, अब देखो साइंस, जिसने साइंटिस्ट बनना है उसको लो साइंस पढ़नी पड़ेगी, साइंस में क्या होता है उसके लिए टेक्निकल माइंड चाहिए, तो फुल जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए टेक्निकल चीज़ों की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तो उस तरह से वो माइंड जो है उस टाइप का चाहिए। तो क्या माना जाता है कि गर्ल्स एंड वुमेंस उनके पास ऐसा कोई माइंड ही नहीं होता, वो नहीं कैपेबल हैं उसको करने में, इन चीज़ों के साथ डील करने में टेक्निकल थिंग्स के साथ, ठीक है। बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, काफ़ी लोग जो है इस टाइप के स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो भेदभाव होता है लड़के लड़कियों के बीच में उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। काफ़ी लोग जो है स्टीरियोटाइप में विश्वास करते हैं। मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम स्पोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। काफ़ी गर्ल्स को जो है उस तरह का स्पोर्ट नहीं मिलता उस तरह का जो है सहारा, लाइक बैक पेरेंट्स की, कि मींस तुम आगे पढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन कुछ गर्ल्स को नहीं मिलता उस तरह का, ना ही कुछ ऐसी ट्रेनिंग मिलती कि तुम डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, काफ़ी फैमिलीज में क्या होता है जब एक बार जो है गर्ल का लड़की का स्कूल फिनिश हो गया, दे आर एनकरेज बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिजेस एज देयर मेन एम इन लाइफ। क्या करते हैं पेरेंट्स कि उसको एक ही लक्ष्य दिखाने लग जाते हैं उसकी फैमिली में, उसकी फैमिली द्वारा एक ही लक्ष्य उसको दिखाया जाता है, उसी चीज़ के लिए इंकरेज किया जाता है उसकी मैरिज के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम, और जहाँ पे हर जो चिल्ड्रन है वो फेस कर रहा है अपने आसपास के वर्ल्ड, मींस कि अराउंड जो भी उसके वर्ल्ड है उसके प्रेशर को। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स, ये किस फॉर्म में कई बार सामने आती है, एडल्ट्स जो कि हमारे बड़े होते हैं उनकी डिमांड्स आने लग जाती हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना है आगे लाइफ में, तो ये क्या होता है एट अदर टाइम्स। दूसरी और क्या होता है, दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय अवर ओन फ्रेंड्स, कुछ हमारे अपने फ्रेंड्स द्वारा जो हमें टीज किया जाता है कि स्पेशली बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। बॉयज़ को क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर, माइंड में प्रेशर डाला जाता है कि तुम्हें एक अच्छी सैलरी वाली जॉब करनी है, आगे अच्छा करो, अच्छी जॉब करो, तो ये प्रेशर डाल दिया जाता है। दे आर ऑल्सो टीज्ड, एंड अगर वो दूसरे बॉयज़ के साथ की तरह जो है बिहेव नहीं करते, दे आर ऑल्सो टीज्ड, उनके ऊपर टीज किया जाता है, उन पे ताने कसे जाते हैं कि अगर वो दूसरे बॉयज़ की तरह नहीं है तो। आपने लास्ट क्लास की बुक में पढ़ा होगा कि कैसे बच्चों को, लड़कों को स्पेशली ये सिखा दिया जाता है कि किसी के सामने रोना नहीं, लड़के रोते नहीं, इस तरह से।
ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। तो आज के लिए हम यहाँ तक रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट एक स्टोरी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे और आगे वुमेंस के प्रोटेस्ट के बारे में कुछ रीड करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू।